हम खेलने वाले हैं 500 की दौड़। अमर, दो सवालों के बाद आप अपनी उंगली बजर पे रख लेंगी और आप इस गेम में शामिल हो जाएंगी। दो सवाल जो है, दो सवालों के बाद शुरू के दो सवाल जो है 500 की दौड़ के बिटवीन मरियम नफीस और यासिर शाह, रेडी हो, ओपिनियन आप दे सकती हैं, ठीक है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में एक्टर बनने के लिए गोरी रंगत जरूरी है? हावड़ा, क्या समझती हो आप? क्या तुम्हें लगता है ऐसा होता होगा? हाँ। अमर, आपको लगता है ऐसा है? मुझे लगता है। अनफॉर्चुनेट समझती हैं? बहुत फजूल बात है, लेकिन है। यासिर भाई, आप अपनी पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या पता है कि ये जो एक्टर को रहता होगा। हाँ। ऐसे वैसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है आप एज अ ऑडियंस देखने वाला, आपको गोरी एक्ट्रेस में ज्यादा दिलचस्पी है या सादी एक्ट्रेस? मीम बन जाएंगे, मीम बन जाएंगे, नहीं बोलना। मीम मत पूछ रहा हूँ, क्यों? जो अच्छी एक्टिंग करे, जो अच्छी एक्टिंग। वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर बहुत आला बेटा। तो परसेंटेज बताइए। परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। और दाढ़ी जिस तरह आपने खुजाई उससे आपकी नियत का भी अंदाजा हो रहा है। परसेंटेज आप बताओ ना, अगर देना होती क्या परसेंटेज देती? जल्दी 80 देती। लॉक कीजिएगा 85 पे मरियम को और 75 पे यासिर शाह को। अवाम की राय देखेंगे, अवाम की राय है 77%। यासिर भाई, वेरी वेल डन, बहुत करीब। एक गोरा ही गोरा का दर्द जानता गोरी पीछे से कह रहा है नहीं नहीं नहीं। अगला सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि सफर पे निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखना मनहूस होता है? अच्छा, काफी लोग वैसे ये समझते हैं, ये है एक सुपर। अगर आप घर में गाड़ी लेके निकल रहे हो, पीछे देखोगे थक जाओगे, मनहूस तो होता है। बिल्कुल, ये तो टेक्निकल मसला है भाई। ये मीम बनाना जिसने भी किया है। हाँ, बोले बोले आप। सॉरी यासिर शाह, आप बोले। पहले मैंने बोला आप मुड़ के देखती। मुड़ के तो देखते सर। क्या आपको लगता है कितना परसेंट लोग इतना समझते हैं? इनकी बारी है अब। कितने? 50% मरियम को लॉक कीजिए। यासिर भाई, 20% आपको लगता है कि मुड़ के देखते? आपको लगता है? मुझे लगता है ये ज्यादा होगी। मुझे भी लगता है। मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता। जब उनको नहीं लगता उनको फोर्स ना कीजिए, उनके दिल में वसवसे मत डालिए। दिखाइए बेटा परसेंटेज, आवाम क्या समझती है। 35%। यासिर भाई, आप क्लोज है, क्लोज है, बल्कि आप दोनों बीच में बराबर में, बीच में। वेरी गुड। बराबर कैसे है भाई? वो 20 पे है, ये 35 है, मैं 50। बड़ा 15-15 का डिफरेंस हो गया ना। मतलब 15-15 का हो गया ना। जितना देखो भाई, लोग बड़े लोग कहते हैं खामोशी में निजात है। बिल्कुल खामोशी में। मुझे लगा इसने 25। अच्छा ठीक है, ओके। अब बोलो, मुझ पर इल्जाम देना खुदा की कसम। मेरे 25 है। नहीं नहीं, आपने 20 बोला। अच्छा भाई, अब बजर पे हाथ रखो, बजर पे सब। अमर आप देख लो, कैच क्या इसमें। आप जो जिन सवालों के सही जवाब देंगे आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे एंड यू विल गेट टू डिसाइड कि आपको 30 नंबर इनको देने हैं। वो मुझे देगी, ठीक है, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है ब्रेक में। ये क्या बात है यासिर भाई, आप लेजेंड हो यार। फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स और ये सलूक आपके साथ। गर्ल पावर नहीं, कोई गर्ल पावर नहीं, पावर नहीं हुई, ये तो माफिया चल रहा है। नहीं, सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यासिर भाई उंगलियां रखिएगा। खुद बातें अहमदिया किसने लिखी? ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरद, सर सैयद अमीर अली, डॉक्टर सफदर महमूद या सर सैयद अहमद खान। ये तो मुझे बताओ। क्या सफदर महमूद? गलत जवाब। मरियम ने दबाया। हाँ, सर सैयद अहमद खान सही जवाब। सर सैयद अहमद खान, बहुत प्यारा तुक्का। एक ही नाम, एक ही नाम पता था मरियम ने। एक मिनट बोल दिया ना मैंने, मिल गया ना मुझे नंबर। चलो रो नहीं अब। चलो फिर आप इतना ही, आपको आप इतनी ठीक है। सर सैयद ने एक यूनिवर्सिटी बनाई दुनिया में बड़ी मशहूर, उसका नाम बता दो। सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी नहीं है उसका नाम। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसका नाम है। वेरी गुड, शाबाश। ये तो वहां है। अगला ऑफिशियल सवाल नहीं, अभी ऑफिशियल सवाल पूछ रहा। पंजाब असेंबली में टोटल सीट्स कितनी है? ए 297, 305, 301। यासिर शाह, 371 इज द राइट आंसर। तुक्के मारो, तुक्के मारो, मैं कहता हूँ। okay. अब अगला सवाल हमारा ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है।
अब एक किसी ने एक ने जवाब दे दिया फॉल्स या ट्रू, दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। ओके। शाहजहां और मुमताज के 8 बच्चे थे। अमर फॉल्स। फॉल्स। बजर उन्होंने बजाया। फॉल्स इज द राइट आंसर। अमर आपके पास पहुंच गए 30 मिनट। मैंने बजाया था। कितने बच्चे थे? मेरा नहीं ख्याल के बच्चे थे। 15 बच्चे थे। 14 बिजी लोग थे। यार यार उसके बंदे के 14 बच्चे हुए पड़े और आपको बजर की फिक्र। मेरा बजर नहीं बजा। 14 बच्चे। 14 बच्चे। शाहजान भाई अपने काम से काम रखने वाले आदमी। काम से काम रखने वाले। बिजी। एक धुन जो चढ़ जाए बस। चढ़ जाए बिल्कुल। अच्छा अब खाका पहचान है। खाका आएगा बेटा। खाका दिखाओ। मरियम माइकल जैक्सन। मरियम कमाल हो गया। हिस्ट्री क्रिएट हो गई। पहला खाका आपने गैस किया बेटा। और ये इतना आसान था खुदा की कसम। ये ना बताती मेरे आंसू निकल आते। अगला फिर से खाका दिखाइए। खाका पहले बता देते। अब मरियम वो नहीं। अमर 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 शाहिद आफरीदी। बहुत गलत। रिजवान सही जवाब। पिछले 20-25 दिन से ये ऐसे खाके आ रहे हैं। मरियम बहुत आपको पता होगा। इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं अमर। ये सवाल तीनों को पता होने चाहिए। बजर पे डिपेंड करेगा। पाकिस्तान का है क्या कह रहे हो? तीसरा बड़ा शहर कौन सा? मैंने पढ़ लिया था। वेरी गुड। बहुत स्मार्ट। फैसलाबाद इज द राइट आंसर। एक्टर की आंख इसको ये तो डिजर्व करती है। इतनी देश पढ़ भी लिया और पता भी था। वेरी वेल डन। कायदे आजम की कायदे आजम क्रिसमस के दिन पैदा हुए। बताइए साल क्या था? इनसे आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इनको पता है। हाँ बड़ा अच्छा तुम मुझे एक सेंचुरी बता दो। सेंचुरी क्या थी? 18 थी। 18 सेंचुरी थी। 19 सेंचुरी थी। और 18 समथिंग। नहीं देखो 47 में तो पार्टीशन हुई ना। बट 18 होगी। बड़े होंगे तो पार्टीशन कराएंगे। हमारी मीम्स बनेगी इसमें। सीरियसली जवाब। नहीं मुश्किल सवाल। बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या सिर्फ भाई आपने और आप भी बात करते हैं? क्या होगा? कब पैदा हुए होंगे कायदे आजम? क्या लगता है आपको? 1876। सवाल कैंसिल। इस तरह की चीटिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये असेंबली नहीं है। ये मेरी और ये मेरा शो है। असेंबली नहीं है। असेंबली में तो किताबें उछलती हैं यार। स्टूडेंट्स हो के आप लोगों को जवाब नहीं बताई। इंपॉर्टेंट सवाल। इतना टाइम नहीं है। खत्म हो जाएंगे फिर से। ओके सुनो बिलाल के बहुत बिलाल के खामोश रहो सर। ये चचा पुप्पी पे आ गया। ओके बिलाल के इकलौते चचा के भाई का बेटा बिलाल का कौन है? फिर से बिलाल के इकलौते चचा के इकलौते चचा के भाई के मुझे नहीं पता। बेटा नहीं अब्बू। अब्बू इज द राइट आंसर। बिलाल का बाप है। बाप है। तुक्का मारा है खुदा की। तुम कसम खाओ मेरे सर की कसम खाओ। जवाब तो ऐसे दिए बिलाल को जानती हूँ। अब आपने पहचानना है कि ये कौन है। दिखाइए कायदे आजम। कायदे आजम इज द राइट आंसर। अरे भाई खेलती मैं सही थी। अली भाई ने गड़बड़ कर दिया। बहुत आला। हमारे बजरों पे हाथ। ये कौन है? My mom. आगे अभी बड़े आजमी। बहुत आला भाई। ये तो मेरा बनता था। घर जाना मुंह देने। अब बताओ जीत रही है। अमर आपके पास 90 स्कोर है। ओके आपके पास 3 ऑप्शन। ओके या तो ये 90 पॉइंट घर ले जाएं और इन दोनों की बदुआएं ले। ओके या इनमें से किसी एक को 90 पॉइंट। नहीं वो मुझे दे रही है। डिसाइड कर लिया है। लंबी नहीं करो। अब मैं यासिर शाह और मरियम नफीस को 20 सेकंड ईच दे रहा हूं अपनी पिच देने का कि उनको क्यों मिलने चाहिए। यासिर भाई 20 सेकंड आपके। अपना दर्द होते हैं। अब मैं नहीं मांगना चाहता। क्या बात हुई यार? क्या जो पहले से डिसाइड हुआ तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले से प्यारे हो। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना प्यारा हूँ कि आपको मांगना ही नहीं पड़ेंगे। आप बताएं। हम दोनों लड़कियां। हम दोनों सेम ब्रदरी सेम फ्रेटर्निटी है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने बहुत काम कर लिया। वो मेरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए वुमेन्स टीम को इसलिए वुमेन्स टीम को लड़के सपोर्ट नहीं करते। आपस में इस तरह
ये पीछे क्या बातें कर रही थी, झूठ बोल रहा है क्या? मैं अपने पैदा करने वाले पे वो सब बातें छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मरियम नफीस को अपने पॉइंट से दी हूँ। मरियम नफीस के यासिर भाई, बड़ा यासिर भाई के मुंह पे एक कैमरा ले आओ और ब्लैक एंड व्हाइट लिखो हैप्पी बर्थडे टू, एक्सक्यूज मी बड़ा मीम बना देना, वो वाली मीम भी सैड म्यूजिक लगता है, इसकी बर्थडे टूटा हुआ सांस ये लगा। अच्छा बर्थडे मेरी विनर दिखाओ, फिर नहीं बर्थडे इनको ज्यादा पता है मेरा। मरियम नफीस बहुत अरसे बाद 387 रन लेकर आज की 500 रन की विनर करा दो, बहुत दिनों बाद यार, पर मेरी दुआएं आपके साथ हैं यासिर भाई, थोड़े नहीं है मेरे पॉइंट्स भी दिखाना, आपके इनके पॉइंट्स हैं, यासिर भाई के पॉइंट्स भी दिखाओ कितने, ये बहुत थोड़े नहीं थे वैसे पॉइंट्स, दिखा दो बेटा यासिर भाई के, यासिर भाई आपके 242 पॉइंट्स, 242 चलिए इतना पीछे नहीं है, टोटल पॉइंट्स क्या है अब तक का, टोटल दिखाइए, यासिर भाई जीत रहे हैं अब तक, अभी भी जीत रहे होंगे यासिर भाई, मैं 9407 और 9005 और दे, और दे, और दे, अभी तो और पॉइंट्स लगेंगे, बहुत पॉइंट्स लगेंगे, दे 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 दे।